देश की राजधानी दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दूसरा दिन शुक्रवार को रहा। बैठक से पहले ही पार्टी में कमान संभालने को लेकर तरह तरह की अटकलें तेज थीं। बैठक में यह तय हो गया कि ललन सिंह पार्टी की जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पार्टी के अध्यक्ष होंगे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक के दौरान ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर जेडीयू नेताओं ने नीतीश कुमार को पीएम चेहरा घोषित करने की मांग भी कर दी। नीतीश के समर्थकों ने देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, इस तरह के नारे लगाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ। पहले ये वीडियो देखिए, फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस बीच दिल्ली में लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के होर्डिंग्स ने मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस होर्डिंग में नीतीश की फोटो के साथ प्रदेश ने पहचाना अब देश भी पहचानेगा, ये लाइन लिखी हुई है। पार्टी के तमाम सांसद विधायक संकेत दे रहे हैं कि नीतीश विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है। बीजेपी से अलग होने के बाद खुद नीतीश कुमार कई बार ये बात बोल चुके हैं कि 2024 के लिए वो पूरे विपक्ष को एकजुट करें। ऐसे में आइए जरा जानते हैं कि जेडीयू का इतिहास क्या रहा है, कैसे बनी है ये पार्टी, पिछले चुनाव में कैसा रहा पार्टी का प्रदर्शन, और अब नीतीश अगर फिर से जेडीयू की जिम्मेदारी संभालेंगे तो क्या क्या बदल जाएगा। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, इसका गठन जनता दल लोक शक्ति और समता पार्टी के विलय के साथ हुआ था। 30 अक्टूबर 2003 को स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली समता पार्टी का जनता दल में विलय हुआ। विलय की गई इकाई को जनता दल यूनाइटेड कहा गया। इसमें जनता दल का तीर चिन्ह और समता पार्टी का हरा और सफेद झंडा मिलाकर जेडीयू का चुनाव चिन्ह बना। 2004 से 2016 तक शरद यादव पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे। वहीं नीतीश कुमार 2016 से 2020 तक इस पद पर रहे। उसके बाद रामचंद्र प्रसाद सिंह 2020 से 21 तक, उसके बाद ललन सिंह ने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली और अब शुक्रवार को उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया चुनावी तैयारियों का हवाला देते हुए। आइए जरा अब आपको ये बताते हैं कि बिहार के अलावा और किस राज्य में जेडीयू का प्रदर्शन देखने मिला है। बिहार में जेडीयू 2005 से एक्टिव है, सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही है। बिहार के अलावा जेडीयू झारखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, जहां कुछ सफलता मिलती इस पार्टी को दिखाई पड़ रही है। झारखंड में 2005 में जेडीयू की 6 सीटें आई थी, 2009 में घटकर ये 2 रह गई, 2014 में फिर, और 2019 में यहां पर 11 और 45 सीटों पर चुनाव लड़ा था इन लोगों ने, लेकिन जीत नहीं मिली थी। अरुणाचल प्रदेश में 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान 14 सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, इनमें से 7 सीटों पर पार्टी जीती थी। हालांकि अब ये सभी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह मणिपुर में इस साल हुए चुनाव में 38 सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी मैदान में थे, इनमें से 6 पर नीतीश कुमार की पार्टी को जीत मिली है। बाद में इनमें से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। ये तो बात हो गई कि दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है जेडीयू की। अब जरा यह समझिए कि पिछले चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है। बीते कुछ विधानसभा चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी बिहार, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में जीतने में सफल रहे। बिहार में जेडीयू के 45 विधायक हैं, अरुणाचल प्रदेश में 7 और मणिपुर में 5। नीतीश कुमार की पार्टी का साथ कई विधायक छोड़ भी चुके हैं, अब ये बीजेपी के साथ हैं। मणिपुर में अब केवल 1 ही विधायक जेडीयू के पास बताया जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू का अब 1 भी विधायक नहीं रहा है। जेडीयू की मौजूदा ताकत आंकें तो वर्तमान में इसके लोकसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में जेडीयू की पार्टी के नेता के तौर पर मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं। 5 सदस्य राज्यसभा में जेडीयू का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा में पार्टी नेता के तौर पर रामनाथ ठाकुर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राज्यसभा में उपसभापति के तौर पर 9 अगस्त को ही हरिवंश नारायण सिंह पदस्थ हुए थे 2018 को, ये उनका दूसरा कार्यकाल है। वर्तमान में बिहार के विधानमंडल में विधानसभा सदस्यों की संख्या 45 और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 24 है। बिहार विधानमंडल दल के नेता नीतीश कुमार ही हैं। ये तो हो गया उनके प्रदर्शन की बात। अब ये जानिए कि जेडीयू में अभी क्या हो रहा है और ललन सिंह क्यों अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते दिखाई पड़े। गुरुवार से दिल्ली में जेडीयू की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। राष्ट्रीय परिषद की ये बैठक थी, ये काफी दिनों से लंबित थी, इसलिए इसका आयोजन दिल्ली में करने का फैसला लिया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक हुई है। इसमें ये तय हुआ कि ललन सिंह की जगह अब नीतीश कुमार पार्टी की कमान फिर से संभालेंगे। सियासी जानकारों की माने तो पार्टी नीतीश का चेहरा लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है। वहीं दूसरी ओर खुद ललन सिंह भी लोकसभा चुनाव में दावेदारी ठोंक सकते हैं।
उधर जो भी अध्यक्ष बने उनके सामने जेडीयू और आरजेडी के बीच फिलहाल समन्वय बनाना ही बड़ी चुनौती हो। INDIA अलायंस में भागीदारी को मजबूती से लाते हुए वापस नीतीश कुमार को यहां चेहरे के रूप में लाने के लिए अहम जिम्मेदारी है और ललन सिंह इसमें फेल माने गए, इसलिए उन्हें बदल दिया गया, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। तो भाई अब ये तो तय हो गया कि ललन सिंह की जगह अब जेडीयू के अध्यक्ष रहेंगे नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार जब अध्यक्ष बन जाएंगे तो क्या कुछ बदलेगा? नीतीश देश की राजनीति में बड़ा चेहरा है। 1985 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नीतीश पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचे थे। उनका सियासी कद लगातार बढ़ता गया। 1989 में उन्हें 9वीं लोकसभा के सदस्य के लिए चुना गया। लोकसभा में अपने पहले कार्यकाल में नीतीश कुमार केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाते दिखे। 1991 में नीतीश कुमार दोबारा लोकसभा के लिए चुने गए और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव बने। लगातार 1989 से लेकर 2004 तक बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव वो जीतते रहे। 2001 से 2004 के बीच वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर रेल मंत्री जैसी जिम्मेदारी बखूबी संभालते दिखाई पड़े। नीतीश कुमार 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार मार्च 2000 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला था। उन्होंने प्रशासन की वजह से उनके जो जिस तरीके का प्रशासन उनका रहा है उन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता रहा। अब एक बार उन्हें जब पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया तो उनके सामने कई चुनौतियां और जिम्मेदारियां हैं। सियासी जानकार कहते हैं कि विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए इसी शर्त पर सहमति बन सकती है कि जिसके पास ज़्यादा पार्टियों का समर्थन होगा उसे चेहरा बना दिया जाएगा। जेडीयू, आरजेडी और सपा उत्तर भारत के 3 बड़े विपक्षी दल हैं और बगैर इनकी सफलता के विपक्ष की सफलता मुश्किल होगी। उधर देश में इस वक्त पिछड़े वर्ग की राजनीति को काफी हवा मिल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार एक उपयुक्त परफेक्ट फिगर हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में लगातार जेडीयू की स्थिति खराब होती रही है। 2010 में जिस जेडीयू ने 144 में से 115 सीटें जीती थी वो 2015 में 71 और फिर 2020 में 43 पर सिमट गई। बार बार गठबंधन बदलने के चलते नीतीश कुमार की छवि को भी काफी नुकसान हुआ है। अब देखना यह है कि जब ये जेडीयू की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से इनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि नीतीश के लिए कहा जाता रहा है कि इनको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।